Mines Act 1952, Section 6, Function of Inspectors, Inspectoron ke Karya. Section 7, Power of Inspector of Mines, Khanon ke Inspectoron ki Shaktiyan. Section 8, Power of Special Officer to Enter, Measure, etc. विशेष अधिकारी की प्रवेश करने नापने आदि की शक्तियाँ. तीनों सेक्शन सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन 8 है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसीलिए 6-7 को स्किप करते हुए सेक्शन 8 पे फोकस करेंगे. चीफ इंस्पेक्टर या कोई अन्य इंस्पेक्टर किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो किसी भी खान में जाके मेजरमेंट यानी नापचोक कर सके. ऐसा व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी होना चाहिए. इस तरह से ऑथराइज्ड किया गया व्यक्ति उस पर्टिकुलर माइन में माइन सर्वेइंग कर सकता है, लेवलिंग कर सकता है या फिर उस माइन का प्रोडक्शन को नाप सकता है. ऐसा ऑथराइज्ड किया गया व्यक्ति किसी खान में प्रवेश करने से कम 3 दिन पहले उस खान के मैनेजर को एक सूचना देगा, एक नोटिस देगा. लेकिन चीफ इंस्पेक्टर या कोई अन्य इंस्पेक्टर एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो खान में प्रवेश करने से पहले ऐसा सूचना देना जरूरी नहीं है. चीफ इंस्पेक्टर और एनी अदर इंस्पेक्टर में ऑथराइज्ड अ पर्सन टू इंटर और मेजर इन अ माइन. द एलिजिबिलिटी टू बिकम ऑथराइज्ड पर्सन फॉर दिस सेक्शन इज दैट द पर्सन शुड बी इन अ गवर्नमेंट सर्विस. सच ऑथराइज्ड पर्सन शॉल गिव अ नोटिस टू द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइन एटलीस्ट 3 days बिफोर एंटरिंग और मेजरिंग इन दैट माइन. नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड इन द केस एमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द चीफ. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर. इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन देन कमेंट. यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक/माइंग टेक्निकल. टिल देन जय हिंद जय भारत.